कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस, ये आज के द हिंदू का एक एडिटोरियल है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कई कई जगह पे साइलेंट है, और ये साइलेंस जो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो इसलिए था ताकि जो पार्लियामेंट, आने वाली पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, वो इसको मॉडिफाई कर सके, अमेंड कर सके, और अच्छे तरीके से उस दिन की जरूरत के हिसाब से, फॉर दैट पर्टिकुलर डेज रिक्वायरमेंट, उस तरीके के यू नो अमेंडमेंट्स या मॉडिफिकेशंस फिल इन कर सके इस साइलेंसेस की जगह, और अच्छे से गवर्नमेंट रन कर सके, ये आइडिया था। बट वो साइलेंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इंस्टेड उसकी वजह से जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, गैप्स है, उसको फिल करने की जगह वहां पे इनएक्शंस हो रहे हैं जो कि बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दिस इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से थ्रू दिस एडिटोरियल। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। सो सबसे पहले यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की जो बात की गई है, यहां पे दो एग्जांपल्स लिए गए हैं, एक एग्जांपल पे ज्यादा ड्वेल्व किया गया है और एक दूसरा एग्जांपल भी है। पहले एग्जांपल की बात करते हैं तो वो है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 जो है वो एक टाइम लिमिट सेट नहीं करता है। बेसिकली अंडर आर्टिकल 200 देयर इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द गवर्नर गिविंग द एसेंट टू द बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट देयर इज नो टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, तो क्या हो सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर बिल आया तो गवर्नर कैन डू नथिंग अबाउट इट एंड स्टिल थिंग्स विल यू नो इट यू देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। ओके, सो देयर इज नो टाइम लिमिट। तो बिल आ गया है, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, बट देयर इज एन इनएक्शन, नो एक्शंस हैव बीन टेकन। और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट तो है ही नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस आर हैपनिंग। हाउ? इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नर्स है वो यूज करते हैं इस लूप होल को, ठीक है, ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऑब्फ्यूस्केट करने के लिए। ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट हुम? द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और जनरली ये उस केसेस में देखा जा रहा है जहां पे ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक ऑपोजिशन वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मीनिंग व्हाट? देखिए, अब जनरली इट इज लाइक द गवर्नर हैज बीन प्लेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर है, जो बैठा हुआ है एक पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर बनके, ठीक है, अब उस स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी की गवर्नमेंट ना हो, कोई और पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट हो जाएगी ऑपोजिशन गवर्नमेंट। और ऐसी गवर्नमेंट्स के जब बिल आते हैं तो क्या होता है, ये जो टाइम लिमिट नहीं दी गई रहती है, इस लूप होल को यूज करते हुए व्हाट डज द गवर्नर डू? द गवर्नर सिट्स ऑन द बिल एंड डज नॉट डू एनीथिंग। और उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप अगर एक एग्जाम्पल ले ले तो तमिलनाडु का ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल जो आया है वो एक हो गया, केरला का लोकायुक्ता बिल ये एक हो गया, लोकायुक्ता अमेंडमेंट एक्ट ये एक हो गया। ऐसा करते करते तमिलनाडु के 20+ बिल्स आर पेंडिंग अंडर द गवर्नर।
टोटल 20 बिल्स पेंडिंग है एंड द सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज देयर फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। अब इसी से जुड़ा हुआ बट एक अलग मुद्दा है आर्टिकल 201 का। आर्टिकल 201 जब भी गवर्नर जो है किसी बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 201 भी जो है कोई टाइम लिमिट नहीं देता है। ठीक है, तो एक तो गवर्नर खुद अपने पास बिल लेके बैठा हुआ है एंड देयर इज नो एक्शन, उसके साथ साथ जब वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, देन अगेन अंडर आर्टिकल 201 देयर इज नो टाइम लिमिट, जिस वजह से क्या होता है अगेन प्रेसिडेंट के को भी टाइम लिमिट नहीं बोली गई है कुछ, तो वो भी अपने पास होल्ड करके रखी रहता है। सो एन एग्जाम्पल इन दिस केस वुड बी द नीट एग्जेम्पशन बिल। अब ये दिया गया था मई 2022 में और 2022 खत्म होने पे आया है एंड स्टिल ये वही का वही पड़ा हुआ है। सो दिस इज अगेन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन इज व्हाट द राइटर इज सेइंग। अब देखिए टेक्निकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेट्स नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटी, अगर ये लीगल केस होता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाएगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइमलाइन दी ही नहीं गई है। हाँ, इट कैन बी सेड टू बी यू नो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिंग इसको इस राइटर ने दिया है इस आर्टिकल के लिए, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के लिए, प्लीज रिमेंबर दैट, प्रिलिम्स में ऐसी मिस्टेक नहीं करिएगा। ठीक है, सो अब व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन की बात करनी है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने क्लियरली कहा था कि यहां पे हमें कुछ टाइमलाइन लाने की जरूरत है विच कैन बी लेट्स से 3 or 6 months। उसके साथ साथ आपका जो सरकारिया कमीशन है, ठीक है, सरकारिया कमीशन, इसने भी कहा है, इसने दो चीज बताई है। पहले तो जो भी बिल आ रहा है सो दैट इन दैट देयर शुड बी अ प्रायर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। प्रायर वर्ड बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बिल आ गया आप पूछ रहे हो जाके, नहीं, प्रायर कंसल्टेशन करके रखिए आप, प्रायर कंसल्टेशन विद गवर्नर। एंड देन ये भी कहता है कि बॉस यहां पे टाइमलाइन होनी चाहिए। और लेखक ये कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि इस आर्टिकल को, आर्टिकल 200 हो गया, आर्टिकल 201 हो गया, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में रीड करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि गवर्नर का रोल क्यों स्थापित हुआ था, क्यों गवर्नर का रोल आया था, इसलिए ताकि अगर कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस या बिल्स है उसके ऊपर गवर्नर जो है चेक एंड बैलेंस लगा सके, ये नहीं कि टर्म्स डिक्टेट कर सके बल्कि चेक एंड बैलेंसेस लगा सके कि कोई ऐसा ना बिल पास हो जाए बिना देखे पड़े जाने कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है बहुत फुल मेजॉरिटी, एकदम हाई मेजॉरिटी है, उन्होंने कुछ भी एक्सट्रीम बिल्स पास कर दिए, तो वो चेक एंड बैलेंसेस हो ताकि गवर्नर वापस से भेज सके, ताकि एक बार और रिकंसिडर हो सके वो चीज, या फिर प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सके, सो दैट ऐसा ही कोई भी लॉ पास ना हो जाए, इसीलिए ये पोजीशन थी और ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। अभी जब ये गवर्नर खुद ही डिक्टेट करने लग जाएगा तो दैट मे गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे ही हम ये रीजन समझते हैं कि ये क्यों लाया गया था, जैसे ही हम ये समझते हैं तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस needs to be changed and that is why यहां पे जो constitutional silence है ये हट जाना चाहिए और यहां पे constitutionally ये amend हो जाना चाहिए और constitutionally there needs to be a timeline is what the writer is
asking for.